Sorry. Don't know what you need. That thieving son of a camel. Zalib has taken all my files. I'll show him what happened when somebody steals from Yak Preboy. I'll take it all back from his dead hand. Abed is quaking in his boots. Fine. You'll help me and get your data back too. Major Said has an airbase. He's probably taken my stores there, along with my helicopter. Get me my chopper and we'll both get what we want. Let's do it. Be careful, Jones. Major Said will have some of his best men guarding my goods. There is a garrison a few kilometers away. We can expect reinforcements if you're not careful. Take out their main radio. It's in the tower. Okay. I go in, take out the radio, and wait for you to pilot the chopper. Anything else? The chopper must be refueled, and the machine gun needs ammo. We could use some extra firepower, too. Grab anything else you like from my stores. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिशन। गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा मिशन है वो है द एयरफील्ड, और जो लास्ट टाइम हमने मिशन किया था वो जैक प्रीबॉय के घर को हमने आर्मी से छुड़वाया था। तो उसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने जैक प्रीबॉय के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बैकअप ली थी, एंड सेकंड जैक पी बॉय के बेडरूम में से एक सेफ था जो कि एक सीक्रेट सेफ था, उसमें से हमने एक्रेनोप्लेन के पेपर्स उठाए थे जो कि बहुत बहुत ही डेंजरस किस्म का एरोप्लेन था, अगर वो किसी के हाथ चढ़ जाता तो हमारी तबाही हो जाती। थर्ड ऑब्जेक्टिव उसका हमने क्या किया था कि जैक पी बॉय के गैराज में एक लेमोजीन खड़ी थी, हमने वो उठाई थी। तो इस मिशन, ये जो हमारा मिशन है जो हम करने जा रहे हैं, इसका नाम है द एयरफील्ड। इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने रेडियो सिस्टम इनके पास एक है उसको हैक करना है। इस एरिया के करीब एक फौजी छावनी है ताकि इन लोगों का उन लोगों के साथ कोई रابطہ ना हो सके, वरना वहां से बहुत सारी आर्मी आ जाएगी और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। सेकंड क्या करना है, हमने हेलीकॉप्टर के लिए एमुनेशन उठानी है ताकि नेक्स्ट मिशन में हम लीबियन आर्मी के ठिकानों को तबाह कर सकें हमला करके, और उसमें हेलीकॉप्टर के अंदर मशीन गन लगी हुई है, इस वजह से हमने हेलीकॉप्टर के मशीन गन की एमो उठानी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो फ्यूल पंप को पावर बटन से ऑन करना है, और फोर और लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हेलीकॉप्टर में फ्यूल टैंक फुल करना है और यहाँ से रफ चक्कर हो जाना है। इससे जो अगला मिशन है वो हमारा 12वां मिशन है, उसमें हम क्या करेंगे कि फौजियों के अड्डों को तबाह करेंगे, इस वजह से हम हेलीकॉप्टर के एमओ यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे बस ये आ गया, हम कहाँ पे पहुँचे हैं अभी, ये जो जगह है यहाँ पे हमने अभी फ्यूल पावर बटन ऑफ ऑन करना है यहाँ से, और कहाँ गया, किधर गया, ओए फोन मार रहा है। अच्छा गाइस, तो वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सी गेम आपके लिए प्ले करूं। ये ऑन हो गया जी, पावर बटन भी यहां से, एंड कौन सी गेम आपके लिए प्ले करूं, हिटमैन भी है, GTA 5 भी है, और प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड ऑफ टाइम भी है, IGN 1 भी है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है गाइस मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आप इस तरह की वीडियो यहाँ पे आसानी से देख सकें। तो ये कंप्यूटर कैमरा, सिक्योरिटी कैमराज का कंप्यूटर है, इसको आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया ताकि अलार्म सिस्टम ऑफ हो जाए। तो ये है रेडियो स्टेशन, इसको हम हैक करते हैं यहाँ से ताकि करीब जो फौजी छावनी वगैरह है, सोल्जर बेस है जो, वो उनके साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह ना हो सके। अगर कॉन्टैक्ट इनका हो जाता है तो वहाँ से बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाएंगे और हमारा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए गाइस बहुत एहतियात के साथ ये मिशन करना है। मिशन इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टैक्टिक्स के साथ इसको खेलना पड़ेगा। और ये भी गया, तो बढ़ते हैं आगे। अब कौन आ गया है, दो खड़े हुए हैं वहाँ पे, ये भी गया। गाइस मैं इसको रश तरीके से नहीं खेल रहा कि मैं जाऊँ और हमला करता जाऊँ, मैं थोड़ा सा सेफ होके खेल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पीछे हट के खेल रहा हूँ ताकि मिशन करने में भी मज़ा आए।
बिल्कुल, अगर आपकी पावर डेड हो जाती है तो फ़ायदा नहीं है, थोड़ी बहुत ही पावर बचा के भी रखनी है। कि समटाइम कुछ मिशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास जो लास्ट मिशन में जितनी भी पावर एमुनेशन वगैरह जो बच जाती है वही नेक्स्ट मिशन में भी यूज़ करनी पड़ जाती है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत बचा के खेलूँ अपने आप को, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ना स्नाइपर की ज़रूरत थी लास्ट मिशन में, बल्कि प्री बॉय विला जो लास्ट मिशन हमने मिशन 10 किया है उसमें हमें स्नाइपर की ज़रूरत थी, और लास्ट मिशन उससे पहले जो मिशन था उसमें मैंने सारी स्नाइपर की बुलेट्स वेस्ट कर दी थी। तो जब मैं नेक्स्ट मिशन में आया तो मेरे पास स्नाइपर तो थी लेकिन बुलेट्स नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल के साथ वो मिशन करना पड़ा, लेकिन कर लिया मैंने। तो गाइस इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने मिशन करना है और बचा बचा के, और अपनी मैगज़ीन जो है ना वो रीलोड करके रखें आप, ठीक है, मैगज़ीन अपनी आप हमेशा रीलोड रखें। और स्टेल्थ के साथ खेल रहा हूँ मैं, 3 सोल्जर यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी आएगा एक, ये आ गया, 2 और रहते हैं वो भी यहीं पे आएंगे, ये गया, एक और आएगा यहाँ पे, जल्दी रीलोड हो जाए, ये गया, ये चौथा किधर से आ गया, रहता है मर गया, आएगा आएगा वो भी इधर ही आएगा। गाइस हेल्थ ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म ही हो चुकी है, जितना मैं कह रहा था बचा के खेलूँगा उतना ही मार पड़ गई है मुझे। और ये प्री बॉय की गन वगैरह है, जैक हैमर गन है, मशीन गन है, और डेजर्ट आर्टिकल पिस्टल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और C4 बम पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये हमने बुलेट्स पिक कर ली, अब यहाँ से हम निकलते हैं, मैं मशीन गन उठा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट मिशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। गाइस एक चीज़ आप लोगों ने भी नोट की होगी कि अगर आप मशीन गन से पहले मतलब कि AR-56 SMG या आप AK-47 कोई भी गन उठाते हैं, यूजी उठा लेते हैं या कोई पिस्टल उठा लेते हैं तो आपकी चलने की स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप मशीन गन उठाते हैं तो थोड़ा सा आप स्लो चलेंगे, रनिंग आपकी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने एक नोट की, अगर आपने कोई और चीज़ इस मिशन में नोट की हो या किसी भी मिशन में नोट की हो तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स और भी हैं इस गेम की, अगर आप हैक करके खेलना चाहें तो एक मिशन में लाऊंगा आपके लिए जिसमें हम हैक करके खेलेंगे, मतलब वो इस तरह का होता है कि वो जंपिंग, एक उसके पास होता है रॉकेट लॉन्चर होता है, वो जंप करके हवा में चला जाता है और वहाँ से फायरिंग कर रहा होता है, और इजीली वो 2 या 3 मिनट में पूरा मिशन ही कंप्लीट हो जाता है। ओ ये कहाँ से आ गए, रेडियो सिस्टम तो हमने हैक कर लिया था, ये कहाँ से आ गए, चलें इसको भी कर लेते हैं, मशीन गन हमारे पास है और थोड़ा दोस्तानों को, एक तो गया और दूसरा हेलीकॉप्टर कहाँ पे वो आ रहा है, 2 आगे कोई और तो नहीं आ रहा, आई थिंक 2 ही होंगे। गाइस इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फायर इसको भी उड़ाते हैं हम, थोड़ा सा फायर हमें पड़ गया और हेल्थ हमारी बहुत ही कम है और ये सब भी गए। मिलते हैं अगले मिशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।